नमस्कार, न्यूज 11 भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। साहिबगंज से बड़ी खबर आ रही है। साहिबगंज के भूदेव मंडल टोला में साथियों के साथ क्रिकेट खेलने के दौरान बम फटने से 14 वर्षीय लक्ष्मण मंडल गंभीर रूप से घायल हो गया है। प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए उसे दूसरे अस्पताल रेफर कर दिया गया है। घटना की सूचना मिलते ही राधानगर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद से ग्रामीणों में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि बच्चा सड़क पर क्रिकेट खेल रहा था, इसी दौरान गेंद सड़क के किनारे रखे कचरे के बीच चला गया, जहां पर पहले से एक प्लास्टिक के धागे में लपेटकर एक बम रखा था, जिसे बच्चे ने गेंद समझकर उठा लिया और बाद में उसी गेंद से खेलने लगा, जिसके कारण गेंद फट गया और उसमें वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। इस खबर पर जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुधाकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधाकर, क्या है पूरा मामला? जी देखिए, बिल्कुल अमन, ये राधानगर थाना क्षेत्र का भूदेव मंडल टोला का ये मामला है। कुछ बच्चे, गांव के बच्चे थे, वो वहां पर बॉल पे खेल रहे थे। जब उसकी गेंद वहां से दूर चली गई तो उसमें वो गेंद उठाने के लिए गया तो वहाँ गेंद उसको उठाया, उसी समय वो ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट होने के बाद वहाँ पर जो बच्चा था वो घायल हो गया। उसके बाद वहाँ लोगों ने, गांव के लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी और बेहतर इसके प्राथमिक इलाज के लिए, उपचार के लिए उसे अस्पताल ले गया गया। उसके बाद पुलिस अपनी तहकीकात में जुट रही है। प्रभारी SP जो है यज्ञनारायण तिवारी ने इसकी पुष्टि की और कहा कि जो ये कोई कहीं न कहीं कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए इस तरह का बम तो बनाया जा रहा होगा, जिसकी जांच पड़ताल चल रही है। और पूरे जो इलाका है जहां पे बम मिला था, वहां पुलिस वहां पे कैंप करनी है ताकि इस बिंदु पर पता लगाया जाए कि बम कहां से आया है और पुलिस इसकी जांच कर रही है। जी अमन जी, सुधाकर, बच्चे की स्थिति क्या है अभी? जी देखिए, बच्ची की जो स्थिति है वो अभी ठीक है। उसे पैर में चोट आई है, जल गया है, लेकिन बच्ची की स्थिति ठीक है। उसे बेहतर इलाज के लिए भेजा जा रहा है ताकि उसकी जो सुरक्षा। सुधाकर, क्या स्थानीय लोगों ने किसी ऐसे अज्ञात लोगों को देखा हो जिसके आधार पर जांच की जा सके? नहीं जी अमन, देखिए वहाँ पे जब जो बम था वहाँ लवारिस अवस्था में कहें वो पड़ा हुआ था, लेकिन जो गांव के लोग हैं अभी कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन जो इलाका है वहाँ पर कुछ ऐसे असामाजिक तत्व भी हैं जिस पर पुलिस की कड़ी नजर है, ताकि उस हर बिंदु पर पुलिस जांच कर रही है ताकि जो भी ये बातें हैं वो छन के सामने आए। जी अमन जी, सुधाकर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि साहिबगंज में क्रिकेट खेलने के दौरान बम फटा है और 14 साल का बच्चा घायल हो गया है। गंभीर हालत में उसे दूसरे अस्पताल में रेफर किया गया है। गेंद समझकर शॉट मारा था और उसी बॉल में धाके से बम बंधा हुआ था और बम फट गया अचानक और बच्चा घायल हो गया है। सूचना मिली है कि राधानगर थाना क्षेत्र के उधवा पंचायत में भूदेव टोला का लड़का एक बाग में खेल रहा था। वो किसी अज्ञात चीज को उठा लिया खेलते खेलते और वो अज्ञात चीज फट गई और फटने से वो लड़का घायल हुआ है और लड़का का इलाज के लिए, बेहतर इलाज के लिए भेजा गया है। उसको राजमहल अस्पताल में, सदर अस्पताल में और वहाँ से फिर रेफर कर दिया गया है। घटना के बारे में पूरी तरह से छानबीन चल रही है। इसमें जो भी दोषी होगा, दोषी के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।